सारी टीम्स ने मानो इसी ब्रिज को सेलेक्ट किया सर्कल के दूसरी तरफ, मानो मिलिट्री बेस जाने का जो फैसला है इसी ब्रिज के साथ वो करना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल मार्कस गेमिंग के रौनक ने यहाँ पे खेल निकाला जो एनिमल के साथ आज खेल रहे हैं। सिलेस्टर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। सेवन सीज अलादीन विद अ वंडरफुल नेट देयर, दो प्लेयर्स को यहाँ पे नॉक करेंगे एंड स्टेट अवे अपने टीम को थोड़ा सा एडवांटेज दिलाएंगे। एनिमा की टीम एक नॉक करके रश करी थी, बट वो जो नेड आया, जो प्रीएम्प्टिव नेड था, वो कमाल का था। एक मॉली भी यहाँ पे करते हुए अपन के पास मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन नहीं, आगे रश करना ही पड़ेगा। लादिन आगे जाते हुए एम4 उनके पास है, जिगल उनकी तरफ से आता हुआ एक और प्लेयर को नॉक करते हैं 1v4 की तलाश में। क्या 1v4 होता है देखने वाली बात होगी। यू नो इवन दो 1v4 नहीं हुआ, लेकिन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स बट ऑन द अदर हैंड इट इज एंटिटी वर्सेस टीम सोल जिसका सबको इंतजार था। रिजल्ट टॉस जाते हैं, एक प्लेयर को नॉक करेंगे बट बिल्कुल ओपन में फंस गए थे। जी गोट आते हैं, एक कवर फायर में नॉक जरूर करा। मोर्टल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मोर्टल के पास मैं जरूर जाना चाहूंगा। मोर्टल की एचपी काफी कम बट मोर्टल नॉक करते हुए जी गोट को एस पावर ट्रेड निकालते हुए मोर्टल एंड इन द एंड बाकी प्लेयर जो टीम सोल के हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पे आ गए। स्काउट यहाँ पे है, मावी गाड़ी चला रहे हैं, स्काउट के साथ मावी के कवर दे पाएंगे। जी हाँ, IGL जो नियो है थोड़ा सा पीछे जाने पे मजबूर कर दिया टीम एंटिटी ऑन द बैक फुट। सर्टेनली दिस इज हैपनिंग फॉर टीम सोल राइट नाउ, कवर दे रहे हैं, रिवाइव भी मेरे ख्याल से यहाँ पे करते हुए आपको प्लेयर्स नजर आ जाएंगे। द ओजी स्काउट की एचपी थोड़ी सी डाउन है, क्या नियो सर्वाइव कर पाएंगे? एक बार जरूर मैं नियो के पास जाना चाहूंगा बिकॉज अकेले प्लेयर है, उनका पीओवी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे लास्ट मैन स्टैंड करेंगे, ग्रेनेड व्हाट है, ग्रेनेड स्काउट को यहाँ पे डाउन कर दिया गया। मम्मी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। मम्मी के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेवारी आ चुकी है, प्रोन कर रहे हैं अपने आप को एंड मम्मी मार रहा है, मम्मी मार रहा है यहाँ पे, प्रोन हो जाएंगे, स्प्रे करेंगे, कनेक्शन मिलेगा, रिवाइवल के फाइनली प्रधान के ऊपर एक बार नजर लेके जाएंगे। जो एडवांटेज उन्होंने अपने लिए क्रिएट किया है सीधा ऊपर चले गए AKM के साथ, बैरल रहेगा, बैरल फॉरेक्स रहेगा एंड फर्स्ट एक्शन और टैप के साथ यहाँ पे जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर ऑटो भी यहाँ पे बात करे चल सकता है, इनके तरफ से कोई बड़ी बात नहीं लेकिन DMR निकाल चुके हैं, शॉट लेंगे, कनेक्शन हेड चेस बिल्कुल यहाँ पे कामयाब, बिल्कुल थोड़ा टाइम दिए, एक शॉट मिस किए, दो शॉट मिस किए लेकिन तीसरा को एडजस्ट किया गया एंड फाइनली हेड चेस करने में कामयाब हो गए। वर्सेस सोल भी वहां पे चल रहा है दूसरी तरफ और तीन प्लेयर सोल के खत्म होते नजर आ रहे हैं हमें। बिल्कुल अगर देखते देखते यहाँ पे जो फाइट रहेगी वो काफी हद तक देखने को मिला। INT यहाँ पे बात करें तो सबसे ऊपर NTT की टीम एलिमिनेट हो जाएगी, टीम सोल यहाँ पे बात करें तो फाइनली पावर कर दिए गए। तो जो फाइट है वो किल फील्ड यहाँ पे जो लास्ट रिएक्ट करता है ये काफी गलत सिचुएशन रहता है, बट ग्रेनेड यहाँ पे पिन आउट किया गया। रियो की बात की जाए तो वहाँ पे ऑलरेडी टेक डाउन कर दिए गए, फाइनली जो उनके मेन रोल अदा कर रहे थे उनको डाउन किया गया। प्रधान को नीचे अब आना पड़ेगा, सेवियर का रोल निभाना पड़ेगा, ग्रेनेड पिन आउट करेंगे। एक टप्पा यहाँ पे बात की जाए तो बाउंस होके वो ग्रेनेड जरूर से थोड़ा डिस्टेंस लेंगे लेकिन कनेक्शन की बात की जाए मिल जाएगा। आपके पास जो ये हाइट का एडवांटेज है उसका फायदा आप निकाल सकते हो, लेकिन ब्लाइंड की बात की जाए तो बाहर नहीं आए, फाइनली बाहर जो आए डैमेज मिला, फिनिश पॉइंट की तरफ जाएंगे। पेन की बात करें टीम को डाउन करना चाह रहे थे लेकिन प्ले जोन से ही ये सिलसिला डन होता हुआ एंड डॉन अपने काम पे लग चुके। 9 हेल्थ किट, नो ये कुछ अलग हुआ। ब्लाइंड इज द विनर, ब्लाइंड इस मैच को कैसे निकाला मुझे नहीं पता कैसे हुआ। उनकी सारी टीम मेरे ख्याल से अब आगे जाते आपको नजर आएंगी। बिल्कुल टैप शॉट की बात की जाता है यहाँ पे, हैकर टीला जॉनथन यहाँ पे ट्राई करेंगे लेकिन बैक सेव हो गए इनसेन के तरफ से। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी एंटिटी के मेंबर्स के ऊपर ध्यान पूरा आगे के तरफ था एंड जरूर से बोल सकते हैं जॉनथन यहाँ पे संभल नहीं पाए, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल था सिचुएशन जो कि संभल नहीं पाया। अब रिवाइवल की बात करें आ जाएंगे टाइम से, जॉनथन को वंस अगेन ऑन फीट किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन पे यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, कवर फायर यहाँ पे आना पड़ेगा। क्लच गॉड की बात करें, जी गॉड यहाँ पे अपने बर्की के साथ एंट्री लेते हुए देखने को मिल रहा है एंड वंस अगेन रिवाइवल के साथ ही जॉनथन को अगेन टेक डाउन कर दिया जाता है एंड अब बारी देगी यहाँ पे गन के साथ। बिना आप उनको टेक डाउन किए जॉनथन को रिवाइव दे पाओ इसकी पूरी पूरी यहाँ पे कोशिश की जाएगी, ना हो पाए। देखिए यहाँ पर तीन बार नॉक हो चुके हैं, अगर दोबारा यहाँ पे नॉक होते हैं बहुत मुश्किल आएगा और अब क्लच गुड को भी पता है कि यहाँ से उनको बचना पड़ेगा, जीतना यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है। सारे प्लेयर्स रश करते नजर आ रहे हैं, प्लेयर को स्पॉट जरूर करा है बट UMP के साथ इस गन फाइट में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट एक प्लेयर को नॉक करते हुए क्लच गुड इज लुकिंग रियली गुड। एक प्लेयर को नॉक करा, इनसेन के दाना दीपी वहाँ पे है, उनको भी यहाँ पे मेरे ख्याल से नॉक करा जा सकता है, बहुत लो HP है उनकी बट जी हाँ क्लच गुड जब तक है उनके नाम में ही क्लच गुड है, क्लचेस तो आपको यहाँ पे देखने को मिल नहीं वाले हैं। दो फिनिशेस निकाल चुके हैं, कवर में जाएंगे, एक अच्छा यू नो कंपाउंड का कवर लेने की कोशिश में थे बट इनसेन के स्टोनी उनको भी नॉक करते हुए और नॉक के साथ सीधा फिनिश करने की तलाश में। स्मॉल प्लेयर अभी भी बचे हुए हैं बट जी गॉड आते हैं आगे, आदि को भी टेक डाउन करेंगे। लास्ट स्टोनी वर्सेस जी गॉड, आई थिंक एक्चुअली सॉरी सोन
स्टोनी वर्सेस एमवीपी चल रहा है, जी को थोड़ा सा दूर थे और एमवीपी अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। क्या टेकडाउन किया जाएगा? बिल्कुल टेकडाउन किया जाएगा। बात करें तो यहाँ पे आईएनटी के स्नैक्स को टेकडाउन किया जाएगा। मानो जो ब्रिज को बोल सकते तोड़ने की जो बात आती है तो आईएनटी यहाँ पे काफी परफॉर्मिंग है, लेकिन जब ब्रिज ब्लॉक की बात आई है तो उस पे भी गए हैं स्नैक्स। को यहाँ पे बात करें जरूर से गवाया जा चुका है। आईएनटी यहाँ पे इनके तरफ आते हुए ग्रेनेड का पैराडॉक्स की तरफ ग्रेनेड जरूर से थ्रो किए, कनेक्शन मिलेगा नहीं। कार्डोस की बात करें तो बैक सपोर्ट यहाँ पे जरूरत रहेगा। फाइनली मिलेगा यहाँ पे ग्रेनेड का कनेक्शन। पैराडॉक्स मल्टीपल यहाँ पे बात की जाए तो ग्रेनेड की तरफ थे और एक वहां पे कनेक्शन मिल जाएगा। कवर की बात की जाए आरएनटी की टॉप डॉग, ये रोल हम लोग पहले भी देख चुके हैं स्पैरो, ज्यादा दिन हुआ नहीं। आरएनटी की टॉप डॉग उसी पोर्शन पे थे, मुश्किल में डाले थे टीम आरएनटी को, लेकिन अच्छी बात आज ये है कि आरएनटी सर्कल के दूसरे तरफ है, इनको क्रॉस नहीं करना है, इस कोऑर्डिनेशन का फायदा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया। यहाँ पे दलजीत फिलहाल अपने घुटनों पे है, आरएनटी एक अच्छे फॉर्म के साथ, लेकिन फिनिश पॉइंट की तरफ जाने का फैसला किया गया है यहाँ पे। अनस्लेयर आगे से कवर फायर देंगे एंड रिवाइवल भी यहाँ पे दलजीत को, जरूर कोशिश देखना चाहूंगा क्या बच पाते हैं। पीछे से जीगो डालते हैं, क्रेटोस को नॉक करते हैं, आईएनटी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रही है और इसका फायदा उठा के रेवेनेंट मेरे ख्याल से अंदर एक एंट्री दे सकती है यहाँ पे। बिल्कुल ऑलरेडी उन्होंने फाइट में ना दिलचस्पी दिखाते हुए एक राइट साइड एक फुल्ली लेफ्ट हैंड साइड उसके उनके एंगल से बात करें तो निकल गए फाइट में, निकले अपने आप को। बट जी गॉड यहाँ पे ओपनिंग निकालने के बाद कितना वेट करेंगे, क्योंकि मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि रिवाइवल का फैसला यहाँ पे मुश्किल में डाल सकता है। टॉपर की बात करें आप सामने जाएंगे, ट्राई करेंगे एकेएम था लेकिन जो कनेक्शन चाह रहे थे मिलेगा नहीं। सही की बात करें अपनी कोऑर्डिनेशन का पूरा इस्तेमाल दलजीत को टेक डाउन किया गया, लेकिन टीएसएम के पास एनटीटी के पास सॉरी मौका है यहाँ पे एक अच्छी टीम को यहाँ पे एलिमिनेट करने का। दोनों यहाँ पे बात करें तो बेहतर ने, लेकिन आगे कौन जाएगा? नंबर्स की बात करें तो एनटीटी के पास प्लस पॉइंट रहेगा क्योंकि दलजीत वहां पे डाउन है और इस बात का भनक शायद जी गॉड को लग चुका है। स्प्रे के साथ जाएंगे, कनेक्शन वहां पे ढूंढना मुश्किल होगा या फिर बहुत ज्यादा इजी, बहुत जरूर से देखने वाली बात रही क्योंकि एमबीपी दूसरे तरह से यहाँ पे ग्रेनेड को पिन आउट कर चुके हैं। ये डैमेज दे सकता है ग्रेनेड काफी अच्छा, यहाँ पे फुल को ग्रेनेड कनेक्शन मिलेगा नहीं, लेकिन दलजीत स्लेयर को यहाँ पे ग्रेनेड का इंपैक्ट पड़ा, काफी ज्यादा डैमेज कर दिया जाता है ग्रेनेड के साथ। आईएनटी का सफर 15th पोजीशन पे एलिमिनेट रियली सून। बिल्कुल यहाँ से मौका नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप एक फाइट कंप्लीट करने के बाद कितना कम डैमेज आप लेते हो वो यहाँ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी आ सकते हैं। लेकिन इनिशिएटिव की यहाँ पे बात करेगा, सी का पे डाउन किया गया पाओ किलो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड नो यहाँ पे इनिशिएटिव बहुत बड़े मुसीबत में फिलहाल अपने आप को पाएंगे। स्विच हो जाओ, फिलहाल यहाँ पे स्विच हो चुका है। पाकिलो अपने हेल्थ को रिकवर कर चुके, 75 HP यहाँ पे लास्ट, ये बहुत ही यहाँ पे कीमती 75 HP जो कि इनको या तो यहाँ से आगे की तरफ लेके जाएगा या तो बाहर लेके जाएगा, डाउन किए जा सकते थे। एंड फाइनली डाउन किया गया निचा इज द नेम जो कि अपने असॉल्ट मॉडल भी, और इसीलिए नेट को अनकुक करके वापस रख दिया है अपने बैग के अंदर। एंड अभी भी शॉट आते हुए सोल के मावी को नॉक करेगा, स्प्रे देते हैं, कवर आया मॉडल की तरफ से, एक शानदार कवर मॉडल नॉक करते हैं और देखना पड़ेगा क्या सोल मावी हील हो पाएंगे, रिवाइव हो पाएंगे, बिकॉज बाकी प्लेयर्स को देखना जरूर चाहूंगा। रेगल टोस के पास 5 फर्स्ट एड है अभी भी, यू नो टीम सोल ने अपने फर्स्ट एड्स को एक प्लेयर को नहीं दिया है। सोल मावी के पास 3 है, मॉडल के पास 3 है, रेगल टोस के पास 5 है और आई डोंट थिंक वो यहाँ पे हील बैटल की तलाश में है। अभी के लिए सेंटर में जाने की कोशिश, सीवी को स्पॉट करते हुए मॉडल यहाँ पे एक और नॉक निकालते हुए, एक्चुअली वहाँ पे रेगल टोस का वो नॉक आया, वीरो को भी यहाँ पे नॉक कर दिया है। रेड ऑल थोड़ा सा बैकवर्ड पे टेड वहाँ पे मेरे ख्याल से एक हील बैटल करते हुए आपको नजर आएंगे, बट INGL के प्लेयर जिनके पास 8 फर्स्ट एड है शायद उनको यहाँ पे मौका मिल सकता है। टेड वहाँ पे ऊपर से आता है, रेगल टोस अपनी HP गवा रहे हैं। इन द एंड इट इज द गाय हुज डूइंग द फर्स्ट एड बैटल, आई थिंक यस इट इज INGL जो यहाँ पे एक शानदार चिकन डिनर, जो देखना चाहूंगा क्या नतीजा निकलता है इस फाइट का, बिकॉज टीम सोल आज काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। एक्सो के साथ फाइट है जो हमेशा से आपको एक अलग लेवल पे गेम प्ले दिखाते हुए नजर आई है। इमॉर्टल जो उनके आईजे नॉक हो जाते हैं, एक शानदार क्या हुआ यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, एक्सो यहाँ के सेंसे यहाँ पे नॉक हो जाते हैं। टीम सोल आज अलग ही मूड में कुछ आई है, बिल्कुल आना भी चाहिए का सोल को, वो एक बड़ा सवाल रहेगा क्योंकि बिल्कुल राउंड लगा के 90 डिग्री जो बोल सकते ना वो जो सिचुएशन रहता वो किया गया पंक की तरफ से, दो तरफ से घेरा जा चुका है टीम सोल को। एंड अब सोल मुश्किलों में आ सकते हैं क्योंकि ये बात का जब तक पता चलेगा एक ओपनिंग निकल जाएगी कुछ इस तरीके से, देखते देखते यहाँ पे दूसरे ओपनिंग भी निकल सकती थी। मॉर्टल को डाउन किया गया, मवी को डैमेज किया गया और मवी को भी नॉक आउट कर दिया गया। पंक इज लुक लाइक अनस्टॉपेबल राइट नाउ। ये दोनों तरफ यहाँ पे बहुत बात की जाए तो HP की काफी ज्यादा कमी है, थक जा रहा है। बात करिए तो यहाँ पे स्काउट क्या रहे, यहाँ पे कोशिश करेंगे सेंसे को, यहाँ पे बात करें तो पंक को डाउन करना पड़ेगा। स्प्रे गलत दिशा में कर चुके हैं ऑलरेडी पंक की बात करें तो राइट पंकी में प्रो ने HP काफी ज्यादा राउंड स्पॉट करेंगे। एंड फाइनली पंक को इस मैच से बाहर किया जाएगा। नो ये क्या हो गया, बैक से आ जाते INTK के मेंबर के तरफ से थर्ड पार्टी दिखे हमें। बिल्कुल यहाँ पे कुछ टाइम मिला इनको, कुछ सेकंड का टाइम मिला नॉक करते हैं। राइट साइड यहाँ पे नजर डाला जाता है,
रास्ती को भी यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है। ओके ग्रेनेड की बात करें, एक छोटा सा भी यहाँ पे बोल सकते हैं इंपैक्ट पड़ता रास्ती को, तो मैच से बाहर कर दिए जा सकते थे कुछ इस तरीके से। ग्रेनेड आएगा, 1v3 ग्रेनेड हो जाएगा इनिशिएटिव की पूरी टीम यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए गए। मात्र एक ग्रेनेड नाम रहेगा 7 सीज के स्प्रे गॉड की तरफ से ये ग्रेनेड देखने को मिला। टीममेट को गवा सकते हैं स्प्रे की बात करें, ट्राई करें व्हीकल के साथ आगे जाते हैं स्पॉट ना करते हुए सीधा अंधा रखता, लेकिन इसमें भी कामयाबी प्राप्त हुई। कई बार इस तरीके के कदम आपको लेने पड़ते हैं, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। 7 सीज की बात की थे, सर्कल के एक अच्छे हिस्से में थे। अगर टीम हाइड्रा कल फील्ड को रीड किए हैं तो इनको बस एक माइंड पे आना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये चीज आपने बहुत सही बोली, हाइड्रा के साथ अब आगे जा रहे हैं। एंड जी हां, फिर से ये हाइड्रा के पास जो नंबर्स गेम का एडवांटेज है उसका फायदा उनको मिल सकता है। बट 7 सीज स्प्रे गॉड इज अ रियल गॉड देयर एंड अगेन एक प्लेयर को नॉक करते हुए, बट हाइड्रा स्टिल 3 प्लेयर्स जो उनकी खासियत है, बट स्प्रे गॉड के सामने थोड़ा सा मुश्किल यहां पे हाइड्रा के पास हो रहा है। लगातार बैक टू बैक, व्हाट इज हैपनिंग? स्प्रे गॉड ऑन .hp is just ripping things apart. Spray God trying to get another one. क्या यहाँ पे कर पाएंगे? जी नहीं, it is Hydra जिनका आखिरी में वो numbers game का advantage फायदा देता हूँ।